प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ ऋतु सुमन। फटी जींस पर दिए अपने विवादित बयान को लेकर उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत महिलाओं के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल तीरथ सिंह रावत ने कल एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा था कि मैं हवाई जहाज में जा रहा था जहां एक महिला मेरी बगल में बैठी थी। उस महिला को जब मैंने देखा तो नीचे उसने गम बूट पहने थे और घुटने फटे थे और महिला एनजीओ चलाती थी। फटे जींस पहनकर महिला कैसी संस्कृति को जन्म देगी और बच्चों को कैसे संस्कार देगी। उन्होंने कहा कि औरतों को फटी हुई जींस में देखकर हैरानी होती है। उनके मन में ये सवाल उठता है कि इससे समाज में क्या संदेश जाएगा। इस बयान के बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया में भी महिलाएं तीखी टिप्पणी कर रही हैं। फिल्म एक्ट्रेसेस उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रही हैं। सबसे पहले अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने तीरथ सिंह रावत पर हमला बोला और कहा कि अपनी सोच बदले। नव्या ने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें उसने रिप्ड जींस पहन रखा है और लिखा है कि मैं इसे पहनकर गर्व महसूस करती हूँ। एक्ट्रेस गुल पनाग ने भी अपना विरोध जताते हुए अपनी और अपनी बेटी की तस्वीर रिप्ड जींस में शेयर की। सोशल मीडिया में भी तीरथ सिंह रावत पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शॉर्ट में अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि रेप इसलिए नहीं होते कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं, बल्कि तीरथ सिंह रावत जिस तरह की सोच का प्रसार कर रहे हैं वैसी सोच के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर तीरथ सिंह रावत को बेशर्म और फटे दिमाग का बता दिया है। टीएमसी सांसद ने ट्वीट किया कि आप एक राज्य को चलाते हैं और इतनी घटिया और निम्न स्तर की सोच रखते हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करने के साथ साथ संसद में भी इस मसले को उठाया। उन्होंने तीरथ सिंह रावत को अपनी सोच बदलने की सलाह दी और कहा कि सोच बदलिएगा तभी भारत बदलेगा। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की दूसरी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।